आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी अगली स्लाइड लेके। कल तक हमने पिछली क्लास में 16 क्लास तक पढ़ी थी, आज ही हमारी 17 क्लास है, जिसका उद्देश्य आईटीआई सेकेंड ईयर जो आपकी एग्जाम होने हैं 2023 में। और इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए आपको, ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना है, तो www.globalitii.org पे जाके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं हम बिना देर किए बिना रुके अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। चूंकि हमने कल बताया था कौन सी मोटर कहाँ यूज किया जाता है, रिलक्टेंस मोटर हमारी कहाँ यूज होती है, रिपल्सर मोटर हमारी कहाँ यूज होती है, दोनों मोटरें हमारी ड्राइंग के कार्यों में, ड्राइंग वर्क प्लस फोनोग्राफी, फोनोग्राफ फोनोग्राफ कहाँ पे यूज होती है, फोनोग्राफ में। अब हमारे पास बची हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर कहाँ यूज होती है, ये हमारी घड़ी में यूज होती है, घड़ियों में, जहाँ पर हमें घड़ियों के साथ साथ जहाँ पर हमें नॉइस लेस ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो जान गए आप लोग बच्चा लोगन कि रिपल्सन मोटर और रिलक्टेंस मोटर कहाँ पे यूज होती है, फोनोग्राफ और ड्राइंग के क्षेत्र में। घड़ियों में यूज होती है हमारी हिस्टेरेसिस मोटर। घड़ी के साथ साथ हिस्टेरेसिस मोटर का हम हर उस जगह पे वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें नॉइस लेस ऑपरेशन चाहिए। नॉइस लेस ऑपरेशन का मतलब आवाज नहीं चाहिए, नॉइस लेस ऑपरेशन। तो ये हमारी हो गई हिस्टेरेसिस मोटर। अब बची कौन सी, आंसर में आपके पास स्टेपर मोटर, यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है, हिस्टेरेसिस मोटर। पहला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। हमने कल से बताया है कि जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब हमारे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जब हमारे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, जब मोटर अपनी रेटेड आरपीएम का 70 से 80% फा लेती है। प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग असेंबली होती है, किसी में 75, किसी में 78, किसी में 79, किसी का फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड का 70 से 80% पा लेती है, पर्टिकुलर जिस स्पीड पे जिस आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच से डिस्कनेक्ट करना होता है वाइंडिंग को, उस रेटेड स्पीड को पा लेती है, फिर वहाँ पे हमारा काम क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्योंकि अब हमारी 70 से 75 या 75 से अधिक जो भी रेटेड आरपीएम है वो मिल चुके हैं, तो अब हमें पृथक करना है। तो वहाँ पे कौन सा होगा, डिस्कनेक्ट द रनिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच टू 75 to 80% स्पीड, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग आफ्टर रीच 75 to 80% स्पीड, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर आफ्टर रीच 75 to 85%, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग 75 to 80%। देखो हमने बताया था सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा कहाँ लगा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा है, जिस केस में कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर में। तो हमें जब रेटेड स्पीड मिलेगी 75 to 80, तो कौन सी अलग होगी, डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग हो जाएगा, वो भी कब किससे अलग है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हम कल से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, जब मशीन अपने रेटेड स्पीड का 70 से 80% पा लेती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कैपेसिटर C1 डिस्कनेक्टेड थ्रू सप्लाई, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज हैविंग वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क देन एनी अदर टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर। मैं कल से बता रहा हूँ, हाई स्टार्टिंग टॉर्क देने वाली मोटर यदि हैं तो DC सीरीज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इन सब में कैपेसिटर का यूज ही इसीलिए होता है कि बलाघूल हमें अत्यधिक मिले। तो यहाँ पे दिया हुआ रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और दिया है
यूनिवर्सल मोटर। तो इन देखो अगर यहाँ पे कोई और दिया है नहीं, ये सीधे सीधे गलत हो गया, कैपेसिटर है नहीं, रिपल्सन है नहीं, अगर थोड़े बहुत चांस भी सही होने के थोड़े बहुत भी बन रहे हैं, या तो डी नंबर या तो ए नंबर, लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर जो कि होती है एसी डीसी दोनों में काम करती है, सबसे ज़्यादा टार्क देने वाली मोटर यही है। किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक टार्क प्रोवाइड करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन अ सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर। वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड, कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड होता है सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर में। आप परमानेंट कैपेसिटर मोटर देखे हैं कहाँ यूज होती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज होती है फैन में, आपके फैन में यूज होती है। तो फैन जब खोलिएगा, कोई घर में जला हुआ फैन, उसकी वाइंडिंग खोलिएगा, वाइंडिंग से जो बाहर निकल के आते हैं वायर कितने आते हैं, चार वायर आते हैं, उनको देखिएगा आप कि जो हमारे कैपेसिटर का जो कनेक्शन देते हैं तो किस में देते हैं, ये देखिएगा आप जाके खुद, घर का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे तो हम बता ही देंगे कौन सही है कौन सही है। तो इन सीरीज विथ रनिंग वाइंडिंग, इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंड, इन पैरेलल विथ स्टार्टिंग वाइंड, जो आपका संधारित कनेक्ट होता है इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर बोला है। बस ये क्वेश्चन का कीवर्ड जरूर ध्यान रखना, परमानेंट कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट होता है, इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंड, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन विच मोटर इज यूज्ड इन टेबल फैन। टेबल फैन सब बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी हमने बताया फैन, फैन चाहे वहाँ का हो चाहे टेबल फैन का हो, फिक्स तो है ना, टेबल में भी तो रखा ही है, टेबल में फिक्स ही तो किया गया है कुछ देर के लिए, उसको भगाया तो जाना ही नहीं, टेबल तो घूमनी नहीं है, घूमना तो फैन ने है ना केवल, तो कौन सा कैपेसिटर लगेगा, परमानेंट कैपेसिटर लगेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ कॉयल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन सिंगल फेज मोटर। बोल रहा है कॉयल के कनेक्शन अगर हम रॉन्गली कनेक्ट कर दें, अभी तक सप्लाई टर्मिनल चेंज हो रहा है तो फील्ड टर्मिनल चेंज हो रहे थे मशीनों मोटरों में, अब ये कह रहे हैं हम कॉयलें गलत जोड़ दे रहे हैं, तब क्या होगा भाई, सप्लाई चेंज हो जाएगी, कैपेसिटर की पोलरिटी चेंज हो जाएगी, फील्ड टर्मिनल चेंज हो जाएगी, हम इस फैन की बात नहीं कर रहे, पर मोटर हर केस में घूमेगी, आरपीएम बनाएगी, पर उतने नहीं बनेंगे, धीमे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कॉयल का कनेक्शन ही गलत हो जाए, कॉयल की होती है सबकी अपनी अपनी वाइंडिंग होती है, हमने पढ़ाया है आपको डुप्लेक्स सिंप्लेक्स क्लैप वे सब बताए कॉयल, अब ये कॉयल ही गलत हो जाएगी तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी बेटा, मोटर धीरे धीरे चलती है, ये कब होता है जब चाल उल्टा हो जाती है तब होती है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन ही गलत हो गए हैं, वो भी किसके, एकल कला मोटर के, रिवाइंडिंग में कुल समूह कनेक्शन टोटल जो होते हैं ग्रुप कनेक्शन वही गलत हो गए हैं। ग्रुप कनेक्शन का मतलब ये होता है जैसे आपकी वाइंडिंग है ऐसे है, वाइंडिंग के ग्रुप कनेक्शन आपके ऐसे होते हैं, फिर तो ये जो लास्ट में आके किसी सेगमेंट से मिलते हैं आके, ये ग्रुप कनेक्शन जो है ये अगर ये ही गलत हो जाएंगे तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, मोटर विल नॉट रन, मोटर रन इन वेरी हाई स्पीड, मोटर रन टेक मोर करेंट एंड नो लोड, मोटर रन एंड टेक मोर करेंट, मोटर विल नॉट रन, मोटर रन ही नहीं होगी, मोटर अधिक करेंट कैसे ले सकती है, मोटर के साथ में जब स्टार्टर लगा होता है तो मोटर की हैसियत ही नहीं कि अधिक करंट ले ले, वो दिखाएगी लोड दिखाएगी काम नहीं करेगी, और मोटर विल नॉट रन इस केस में होगा क्योंकि ये बोला है मोटर रिवाइंडिंग में कुंडलन के समूह ग्रुप ऑफ कनेक्शन उसके जो है रॉन्ग है, तो यहाँ पे सबसे राइट आंसर मोटर विल नॉट रन, मोटर चलेगी ही नहीं।
व्हाट इज द इफेक्ट इन रिपल्सन मोटर इफ द मैग्नेटिक अक्ष शिफ्टेड इन अदर्स। हम बता रहे हैं जो आपका MNA और GNA होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे तो जी केवल बता रहे हैं, बाकी भगा रहे हैं, बता नहीं रहे। चलो देख लेते हैं MNA GNA क्या होता है। GNA MNA MNA और GNA जो होते हैं इसके मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब जैसे ये MNA है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इस पे है, ये आपके पोल हैं। अब आपके जो ब्रश हैं, जो आपके ब्रश हैं वो अभी इस एक्सिस पे होने चाहिए। किसी कारण से वो अपना एक्सिस चेंज हो के ऐसे आ जाए, इस डायरेक्शन में आ जाए, उनका डायरेक्शन ऐसे हो जाए, मतलब ब्रश अपनी स्थिति से शिफ्ट हो जाए। MNA जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है, GNA ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है, इस एक्सिस से थोड़ा सा विचलित हो जाए, हट जाए, तो क्या होगा? क्योंकि एक तो सिंगल फेस है, थ्री फेस तो है नहीं, उसके पास कुल दो ही होता है स्टेटमेंट, सिंगल फेस है, 90 का सिस्टम होगा। जैसे ही 90 से थोड़ा सा जाओगे 45 पे आ जाएगी, ब्रश शिफ्ट होगा तुरंत 45 पे पहुंचेगा। अब वो इस स्थिति में पहुंच गया है, अब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि वापस ना तो इधर आ सकता है ना इधर जा सकता है। MNA उसका जो है शिफ्ट हो गया, जो उसका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस था वो चेंज हो गया वहां से, तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उसकी चेंज हो जाएगी। पूछा है प्रतिकर्षण मोटर में, रिपल्सन मोटर में। अब देखो यहाँ पे रिपल्सन मोटर की बात किया है साथ में, रिपल्सन अभी क्या होता ना, अलाइनमेंट पढ़ाएंगे, जब संरेखण पढ़ाएंगे तो वापस से अपनी उसी दिशा में आना चाहेगा जल्दी से, लेकिन यहाँ पे मोटर जो कौन सी है, रिपल्सन, तो उसका जो केस होगा वो रिपल्सन का केस होगा, तो उसको वहां पर आने का विरोध होगा। जैसे अभी हमने लेंस चला बताया कि जहां से गई वहीं पे आने को उसका विरोध हो रहा है, तो क्या होगा? मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस केस में चेंज हो जाएगी। कारण कि जब उसका ब्रश शिफ्ट हो गया अपनी जगह से, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिया होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से मोटर स्पीड विल रिड्यूस फ्रॉम रेटेड स्पीड, मोटर स्पीड इंक्रीज 247, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज। ये इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसलिए हो गया कि जब उसकी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जो उसकी एक्सिस है वो चेंज हो गई। अब देखो ये जो टू वाइंडिंग होती है बेसिकली रिपल्सन मोटर, 90 पे इनका वो होता है। अब इनके पास ज्यादा ज्यादा नहीं फैलाव नहीं है ना, अगर थ्री फेस की मोटर होती तो वहां पे थोड़ा सा केस और दूसरा होता, एक दूसरे को काटते रहते और मोटर हमारी जो है स्टार्ट हो जाती है, वो केस अलग है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही केस बनते हैं मोटर, एक तो उसका फेस शिफ्ट 90 डिग्री में होता है, टू वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग और वो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, उसमें भी 45 हो गया, मोटर का केस रिपल्सन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिपल्सन होगी, तो वापस से वहां पे आने का विरोध होगा जहां से वो गई है, तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोटर की रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ DOR बोलते हैं शॉर्ट में, DOR, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी उसकी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिया है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज। व्हाट इज द इफेक्ट इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच नॉट डिस्कनेक्ट आफ्टर द मोटर स्टार्ट। मोटर स्टार्ट होने के बाद भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं हटा रहा है, उसका मतलब मोटर जलाने का काम कर रहा है। कहीं ऑप्शन में दिया होगा मोटर विल नॉट रन, मोटर विल स्टॉप इमीडिएटली, स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बर्न आउट, मोटर रन वेरी स्लो स्पीड 248 का। हमने बताया कि अगर आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं बढ़ा रहे हो, बराबर वहां पे हीट जनरेट होने लगेगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग बर्न आउट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर टू बी रिवर्स। प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टा करेंगे? अभी हमने बताया यही क्वेश्चन, अब आपको ये लग गया होगा कि सर ने भी जो बताया पीछे, सीधी सी बात है, उसके एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। एक्सिस को शिफ्ट करोगे नहीं तो उसमें ज्यादा कुछ खेल ही नहीं, क्योंकि उसका तो 90 शिफ्ट है, उसमें से थोड़ा शिफ्ट कर दोगे, रिपल्सन की मोटर की बात कर रहा है, तुरंत चेंज कहीं दिया होगा, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल, ये भी नहीं होगा, बाय इंटरचेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल, ये भी नहीं होगा, बाय चेंजिंग, सिंगल फेस मोटर है, क्या चेंज करोगे इसमें तुम? बाय चेंजिंग, अगर कैपेसिटर बोला होता तो मैं बताता, तब मैं इनके बारे में विचार करता, लेकिन बोला है बाय चेंजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग,
कंपनसेटिंग वाइंडिंग से क्या मतलब है, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस, ब्रश एक्सिस को शिफ्ट करके हम रिपल्सन मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन परिवर्तित कर सकते हैं। ब्रश एक्सिस को शिफ्ट करके रिपल्सन मोटर की डायरेक्शन आप रोटेशन DOR रोटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाई अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड, क्यों एक संधारित अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि अपकेंद्रित स्विच से जुड़ा हुआ है, टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोडिंग, टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, टू रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट। हमने बताया था आपको, ये क्वेश्चन भी आपका कल हो चुका है, हमारे कॉन्टैक्ट को बचाता है, किसको, हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर कनेक्टेड इज अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अक्रॉस कैपेसिटर किस लिए लगाया जाता है, जो हमारे संपर्क हैं, टू रिड्यूस द स्पार्क कॉन्टैक्ट, टू रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट, उनके बीच की स्पार्किंग को कम करता है। अगर मोटर की स्पीड 75 से 80% होने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट ना किया जाए तो फिर नुकसान भी देगा, अभी तो बचा भी रहा था। कारण है कि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से बाहर जाओ तो उसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाओ तो वो चीज़ नुकसान भी करने लगती है। जैसे होता है कि हमें 2 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन हम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर हमारा डेली का रूटीन है 2 घंटे पढ़ने का, हम 2 घंटे के बजाय 4 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हमें लग रहा सिलेबस कवर नहीं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, हो सकता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं या हमें नींद ना अच्छी मिल पाए, तो सुबह हमारे फ्यूज चेहरे का उड़ा हुआ हो, तो थोड़ा सा नुकसान भी, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। तो वो उसकी लिमिट कितनी है, 75-80%, टू रिड्यूस द स्पार्क द कॉन्टैक्ट, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इंप्रूव करता है कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पावर फैक्टर इंप्रूव करने की बात नहीं है, सिंगल फेस का केस है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं, पावर फैक्टर मिल जाता है, पर्याप्त पावर फैक्टर रहता है। टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पूछा है कैपेसिटर अक्रॉस कनेक्टेड सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कैपेसिटर अक्रॉस कनेक्टेड सेंट्रीफ्यूगल स्विच से क्यों जुड़ा हुआ है, उसका गति नियंत्रण में किस प्रकार से काम होता है, या वो क्या काम करता है वहां पर जाके, तो रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्टों को बीच में जो स्पार्किंग होगी स्टार्टिंग समय, उसको इनिशिएट करता है, उसको खत्म करता है स्टार्टिंग के समय, टू रिड्यूस द स्पार्क इन कॉन्टैक्ट। प्रभाव क्या होता है, यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए जाएं, वर्क नॉर्मली, रिडक्शन इन स्पीड, रिडक्शन इन टॉर्क, रन विथ वेरी हाई स्पीड। 251 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ सम स्लॉट इन स्प्लिट फेज मोटर लेफ्ट आउट विदाउट वाइंडिंग, अगर कुछ स्लॉट जो है बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, अगर वाइंडिंग के, देखिए पूरा है, कौन सी मोटर बोला है, प्रभाव की था, ये संकेंद्रित वाइंडिंग, कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग बोला है। कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, जिसके कम्यूटेटर के बाद जिसके सारे सेगमेंट किसी एक जगह पे आके मिलते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तो क्या अगर उसमें कुछ स्लॉट छोड़ दिए जाए तो क्या होगा, देखो बताते हैं। जैसे आप सब लोग कंसंट्रेट होके कोई एक बस को धक्का दे रहे हैं, 20 लोग धक्का दे रहे हैं, कंसंट्रेट हो सब लोग एक बढ़िया कंसंट्रेट होके फोर्स लगा रहे हैं बस को आगे खिसकाना है, अगर उसमें से 2-4 लोग नहीं करेंगे, 2-4 लोग 20 लोग चाहिए, अगर 2-4 लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लोड शेयर हो जाएगा, बाकी 18-17 लोग जो रहेंगे, लेकिन धक्का क्या होगा, धक्का लग जाएगा और बस आगे चली जाएगा। हाँ ये बात सही है कि बस हो सकता है कि उतना स्पीड से ना जाए लेकिन नॉर्मली आगे चली जाएगी, तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर वाइंडिंग है फैन की हमारी, पूरे स्लॉट हमने कवर किए हैं, किसकी वाइंडिंग बोला है, कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग बोला है, स्प्लिट फेज मोटर में वाइंडिंग हुई है, उसमें कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग हुई है, उसमें 1-2 स्लॉट यदि छोड़ दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मोटर हमारी नॉर्मली चलती रहेगी।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण। सार्वभौमिक मीन्स यूनिवर्सल। मोटर की गति नियंत्रण अपकेंद्रीय स्विच में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? रेडियो इंटरफेरेंस यूनिवर्स। हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी सप्रेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल यूनिवर्सल मोटर। सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच में रेडियो व्यतिकरण को कैसे कम किया जा सकता है? 252 बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बाई एडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग विद आर्मेचर, बाई कनेक्टिंग इन इंडक्टर इन सीरीज विद सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा, अभी हमने की पॉइंट नहीं पकड़ा। हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस सरप्रेस्ड इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल यूनिवर्सल। सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच में रेडियो व्यतिकरण कैसे कम कर सकते हैं? बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज, चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए, बाई एडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कोई मतलब नहीं है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से क्या मतलब, वो तो खुद सीरीज में होगी। बाई कनेक्टिंग एन इंडक्टर सीरीज, बाई कनेक्टिंग एन इंडक्टर इन सीरीज। इंडक्टर कहाँ से, इंडक्टर का तो कोई खेल ही नहीं है। उसके बाद बचा क्या आपका, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसका राइट आंसर ए सही होगा, क्योंकि हमने जो है कैपेसिटर किसके अक्रॉस में कनेक्ट किया है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के अक्रॉस में कनेक्ट किया है। सिर्फ इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि स्पार्किंग को हम कम कर सकें। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है कि स्पार्किंग को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे वही चीज बोला है, इसका रेडियो इंटरफेरेंस का केस और स्पार्क का केस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। क्या हुआ, हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दी तो इस जो हमारी ये लॉसेस था, एक प्रकार का लॉसेस है रेडियो इंटरफेरेंस, इसको हम तब नियंत्रित कर पाए जब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के क्रॉस में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ इक्वेशन जब हम इसका निगमन करवाएंगे तब वहां करवा देंगे, लेकिन ईएमएफ इक्वेशन जो होती है फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो इज इक्वल, देखो ईएमएफ इक्वेशन जो आई है ये पहले आपको जनरेटर की पढ़नी होगी, जनरेटर की निकाल लिए, जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन निकालने के बाद आपको मोटर की, जनरेटर में ईएमएफ होती है, मोटर में बैक ईएमएफ होती है। जब जनरेटर मोटर को निकाल लेंगे तब आप निकाल पाएंगे ट्रांसफार्मर की, जब ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन निकाल लेंगे तब उसी से रिलेट करके निकाल पाएंगे आप अल्टरनेटर की। क्या पूछा है, ईएमएफ इक्वेशन अल्टरनेटर की। तो जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है आपको पता होगा, 4.445 ईएमएफ एन1 होती है प्राइमरी सेकेंडरी के लिए। जनरेटर की मोटर ट्रांसफार्मर की क्या होती है, 4.445 एम एफ एन वन ई वन इक्वल टू ई टू, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए निकाले हैं, ये आती है। वहीं से फिर इसका केस आता है, वहीं से फिर इसका केस आता है, और यहां पे के डी के सी भी आ जाता है साथ में, यहां पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। के डी के सी ये पिच फैक्टर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जब जाएंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इज इक्वल टू 4.445 एफ टी दिया हुआ है, जो आपका फाइम है ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है, जो एन वन है ये नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न होते हैं, एन टू है ये ईएमएफ इक्वेशन जो है जो आपके नंबर ऑफ टर्न होते हैं सेकेंडरी साइड होते हैं, ये ई वन आपकी प्राइमरी साइड की ईएमएफ इक्वेशन अगर मान ले, ई टू अगर सेकेंडरी साइड की ईएमएफ इक्वेशन मान ले, तो हमारा जो फार्मूला बनता हुआ है जनरेट इसका ट्रांसफार्मर का इज इक्वल टू 4.445 एम एफ एन ये बनती है, वो हमने प्राइमरी सेकेंडरी के लिए बता दिया अलग से, जो मेन होती है। जब इसको आप समझ जाएंगे तब आप इसको निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब है अभी आप सिर्फ ये जानिए कि अल्टरनेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू 4.445 एफ टी। जब हम करवाएंगे तो तीनों का न्यूमेरिकल एक साथ करवा देंगे, अभी आगे मिलेगा तो एक साथ करवा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हिच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए कौन सा रूल लगाया जाता है। कार्क स्क्रू लू, इसको हमने बताया था एक दिन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताता है।
राइट हैंड पाम रूल ये भी आपको हम बता चुके हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये भी आपको बता चुके हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बोला है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर और जनरेटर। ईएमएफ इक्वेशन मोटर की आपने पढ़ा है, मोटर का आपने पढ़ा है, क्या बोलते हैं मोटर में आपने पढ़ा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगता है, जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। अब जनरेटर और मोटर में कोई विशेष अंतर नहीं होता, सिर्फ ऊर्जा परिवर्तन का अंतर होता है। अगर जनरेटर में हम कम्यूटेटर ना लगाएं, कम्यूटेटर की जगह स्लिप रिंग लगा दें, तो हमारा जनरेटर क्या बन जाएगा, अल्टरनेटर बन जाएगा। हम बताना चाह रहे हैं कि जनरेटर और अल्टरनेटर में फर्क कितना होता है। जनरेटर और फर्क में सिर्फ ऊर्जा परिवर्तन का सिद्धांत होता है, जो स्लिप रिंग होती है वहां पे ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जनरेट होती है, वही हमको मिलती है। अगर हम वहीं पे ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि साथ में कम्यूटेटर लगाने की व्यवस्था हो जाए, तो हमें डीसी मिलने लगती है। डीसी जनरेटर में हम क्या लगा देते हैं, कम्यूटेटर लगा लेते हैं, तो हमें जो सप्लाई मिलती है जनरेट तो वहाँ ऐसी होती है, लेकिन जब कम्यूटेटर के पास आती है, कलेक्ट होती है, कलेक्ट द करंट को, कम्यूटेटर काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करता है, यूनि डायरेक्शनल बनाता है और उसे फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन स्लिप रिंग में क्या है, कम्यूटेटर तो है नहीं, स्लिप रिंग लगी है, सब कुछ प्रक्रिया सेम हुई, एसी जनरेट हुई, वही आपको मिल गई। तो यहाँ पे जो रूल लगने वाला है जनरेटर और अल्टरनेटर में सेम लगने वाला है। अगर जनरेटर में दाहिने हाथ का नियम लगता है तो अल्टरनेटर में भी दाहिने हाथ का नियम लगेगा। उसके बाद चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। देखो अल्टरनेटर की सिलेंडर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, साइलेंट पोल टाइप और स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप। एक होता है उसका सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, एक होता है एक की विड्थ ज्यादा होती है हाइट कम होती है, एक की हाइट कम होती है लेंथ ज्यादा होती है। देखिए इसकी हाइट छोटी है, यह सिलेंड्रिकल टाइप है, सिलेंड्रिकल टाइप है, ये आपका सिलेंड्रिकल टाइप है और ये आपका साइलेंट पोल टाइप है, ठीक है। एक में एक का आरपीएम ज्यादा बनता है, अब किसका आरपीएम ज्यादा बनेगा, इसका आरपीएम ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाया गया है स्टेटर एक्साइटेटर साइलेंट पोल रोटर स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर, तो हमने आपको बताया कौन सा सही होगा, इसका साइलेंट पोल सही होगा, क्योंकि देखो इसकी कंस्ट्रक्शन देखो किससे मिलती जुलती है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, अच्छा इस कहां पे पूछा है, अल्टरनेटर किस पार्ट का नाम पूछा है, 255 हमने आपको बताया अल्टरनेटर के जो रोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रोटर से ही पहचान होती है कौन सा अल्टरनेटर किस प्रकार का है, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप होता है, एक साइलेंट पोल टाइप का होता है। ये चौड़ा होता है, ये थोड़ा सा लंबा ज्यादा होता है, लेकिन चौड़ा कम होता है। तो ये जो दिखाया गया है आपको, ये कौन सा दिखाया गया है, साइलेंट पोल टाइप का दिखाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखो कुछ ऐसे बनी हुई है, और इसका अगर दिखाया जाता तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे बनी होती, ये पतला ज्यादा होता है। ये कौन सा है, साइलेंट पोल रोटर, ठीक है। ये रहे आज के हमारे शानदार धानदार शानदार जानदार 15 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगली सीरीज के साथ। अगर इस चैनल से आपको कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ सीख रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बोलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन सब बच्चों को भी सुविधाएं मिलें जिन सुविधा से वो सब वंचित हैं। जय हिंद।